नमस्कार, काशी विश्वनाथ की नगरी से आप सभी का स्वागत है। पंचायत आज तक में आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लखनऊ का रास्ता आजकल वाराणसी से होकर ही गुजरता है। यही कारण है कि न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे के पूरे पूर्वांचल में हर एक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। दो महीने के बाद होने हैं विधानसभा चुनाव, तो गंगा की लहरों पर सवार होकर जरा इस क्रूज के जरिए मेहमानों की मौजूदगी में हम ये जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मुद्दा कौन सा होगा, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो भव्य और दिव्य बनकर तैयार हो चुका है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र चौबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ खास मेहमान पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के और गाजीपुर के पूर्व सांसद ओम प्रकाश सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि बगल वाली गाजीपुर के आप सांसद रहे हैं, अब तो भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, खुश हैं आप लोग कि भोले के भक्त जिस दिन का इंतजार कर रहे थे कम से कम नरेंद्र मोदी ने उस सपने को साकार कर दिया? सर जी, एक बात बताऊं, पहले तो आपको बधाई। मैंने स्टेट प्लेन में, हेलीकॉप्टर में और कई जगह बड़े बड़े होटलों में आप लोग इस तरह के महापंचायत करके, लेकिन आप ऐसी जगह पर क्रूज में, वो भी काशी जी, जो सर्व विद्या की राजधानी है और ये दुनिया की ऐसी नगरी है जहाँ जीने के लिए तो बहुत लोग जाते हैं, यहाँ मरने के लिए लोग भी आते हैं। मोक्ष भवन भी बना हुआ है, इसीलिए तो मैंने कहा कि मोक्ष भवन तो पहले भी था, हाँ, आज भी है, और यहाँ हजारों हजार गरीब, विधवा, बिचारा महिलाएं और पुरुष यहाँ आते हैं। रही काशी विश्वनाथ की, तो आप पता कर लीजिए, सहगल साहब खुद इस सरकार में भी सूचना ही देख रहे हैं। अब पता कर लीजिए, मैं पर्यटन मंत्री रहा हूँ और सांस्कृतिक विभाग से जो पांच ब्यास जी की हवेली छोड़ दीजिए, तो उस समय चार हवेली पर स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, हम लोगों ने खरीदने का काम किया, उसका दाखिल खारिज भी हुआ। ये सही है कि जो सहयोग भारत सरकार से मिलना चाहिए, मैं दो बरस जब मोदी साहब 14 में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी बने, तो महेश शर्मा साहब पर्यटन मंत्री थे, उससे पहले गोवा के सांसद जी थे। अभी तो बनकर तैयार हो गया ना, अभी कैसा अभी, लग रहा है? अभी पूरा नहीं बनकर तैयार है, हाँ। अभी लग रहा है पूरा देख ही नहीं है आप भी। हम होकर आगे कई बार नहीं, ठीक है, देखी होंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं काम जो घाट का एरिया है जो उतरने का है, हाँ, वो तो चुनाव है ना। मोदी जी को बार बार काशी आना, भीष्म के बाद यही गंगा पुत्र है, भीष्म को ही गंगा पुत्र की उपाधि मिली थी, और फिर मोदी जी स्वयं गंगा पुत्र बनकर इस काशी में गए कि मैं गंगा माँ ने बुलाई है, अब मैं पुत्र बन के आया हूँ, उस गंगा का भला करूंगा। लेकिन आप बगल में ही देख लीजिए, 14 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और इसी बाढ़ में जो शुरू हुआ कि ये डबल, यूके चौधरी साहब, इनकी ही सरकार में, भारत सरकार के जावड़ेकर साहब ने एक प्लान बनाया था, वह पर्यावरण एक्सपर्ट है, और कहे कि एक अलग से जो नाला निकालने की बात हो रही है धारा का, वो संभव ही नहीं है इसको। अच्छा, ये कहा जाता है, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर आप जरा पीछे भी तस्वीर देखिए, पीछे पलट के भी देख लीजिए, इस पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, गंगा की साफ सफाई हुई है, सुनिए सुनिए, यहाँ पर घाटों का नवीनीकरण चल रहा है, रंगाई पुताई की गई है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ललिता घाट से सीधे जल लीजिए और जाकर चढ़ा लीजिए भोलेनाथ। हमारी बात ये सुन लीजिए, खाली चेहरा खूबसूरत हो और पैर विकलांग हो तो वो पूर्ण में इंसान पूर्ण नहीं कहा जाएगा। आंख सुंदर हो और गाल धसा हो, मुंह सुंदर हो दांत है ही नहीं हो, तो मैंने ये कहा कि गंगा की नगरी जाकी रही भावना जैसी, हाँ हाँ, उनकी मूरत देखी तिन तैसी, हाँ, ये तो नजरिए की बात है ना। यही मैंने कहा कि शिव की नगरी काशी, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद ये शिव की नगरी बनी है, ठीक है, ये आदिकाल से है, हाँ, और इसका हम यही कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था, राकेश त्रिपाठी सही है, शुरुआत उन लोगों ने किया, श्रेय पूरा आप लोग लिए जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, वो कह रहे हैं कि शुरुआत हमने किया, पूरा का पूरा श्रेय ये लिए जा रहे हैं, तो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है काशी। होड़ नहीं बची है, ये उच्च कोटि के कलाकार हैं। कलाकार हैं आप, हाँ, ये पार्टी का। ओम प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं,
मैं बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, इस बात को इन्होंने आज स्वीकार किया कि बनारस में इस बात की अब शुरुआत हुई है कि क्रूज पर पहला कार्यक्रम किसी न्यूज चैनल पर बैठकर कर रहे हैं। यह अवसर उपलब्ध हुआ है तो यह देन नरेंद्र मोदी जी की है। आज बनारस की पूरी, केवल आप कह रहे हैं कि उसका चेहरा बदला, केवल चेहरा नहीं बदला है, आज बनारस की गलियों को भी हमने नित नूतन चिर पुरातन की तर्ज पर बात ठीक करने का काम किया है। यानी गलियां गलियां ही रहेंगी, हम गलियों को मिटाने वाले नहीं हैं, लेकिन गलियों के भीतर जो अतिक्रमण था उसको दूर करने का काम किया, उसके नीचे जो सीवेज की व्यवस्था थी उसको ठीक करने का काम किया, पेयजल की जो व्यवस्था थी उसको ठीक करने का काम किया, सड़कों गलियों का जो सड़कें थी उसका जो ग्राउंड था उसको हमने ठीक करने का काम किया, जो तारों के मकड़ जाल थे उसको आईपीडीएस योजना के तहत को हमने अंडरग्राउंड करने का काम किया। मैं केवल इतनी बात कहूंगा, देखिए इनके लिए प्रायोरिटी क्या थी। देखिए जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है, और जब सोच बेईमान होती है तो काम बदनाम होता है। देखिए वास्तविकता में इनके लिए प्रायोरिटी सैफई था। ये कह रहे केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिला। सैफई में पीजीआई आप बना रहे थे तब आपको किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं थी। सैफई में आप जब डांसर्स को बुला करके डांस करवा रहे थे तब आपको किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। सैफई का बजट जरा देखिए कि सैफई के इनके रंगारंग कार्यक्रमों का बजट कितना होता था। इनके लिए प्रायोरिटी काशी नहीं थी। आज प्रायोरिटी काशी है, काशी अविनाशी है, काशी सांस्कृतिक राजधानी है, काशी हमारे अवचेतन को आज चेतना देने का काम कर रही है, काशी हमें जागृत करने का काम कर रही है। हाँ। और काशी आज विकास का मॉडल है, और इसी विकास के मॉडल पर हम ये दावा कर रहे हैं। विकास का मॉडल बन चुकी है काशी, और बीजेपी इसी को लेकर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी के पास क्या है विकास के मॉडल के तौर पर? देखिए अब जितना चिल्लाकर अच्छा ही शब्दों के सौदागर लोग हैं, ये धंधा अच्छा करते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, दुनिया खोज रही है, हिंदुस्तान भी खोज रहा है, ये गलियों की बात कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए सीवर की क्या हालत है। इनके आने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू नवीनीकरण शहरी योजना थी वो सीवर बंद है, जो आरसीसी था उसे कटवाकर पत्थर लगवा रहे हैं। हम गलियों के, हम इस बनारस में, ये पता ना बनारस में रहे हैं कि नहीं रहे हैं। मैं बचपन से क्लास 9 से 12 तक मैं यूपी कॉलेज में पढ़ा हूँ, इसके बाद बीएचयू पढ़ा हूँ। तो काशी बदली है, काशी नहीं बदली है? पीएम के यहाँ पर आने के बाद बदली है, काशी नहीं बदली? देखिए मैं कह रहा हूँ बदलने का, तो एक छोटा सा बच्चा है वो 18 साल बाद उसकी भी उम्र बदल जाएगी। बदलने का स्वरूप क्या है? बदलने के नाम पर ये केवल बाबा भोलेनाथ दिखा रहे हैं। ये काशी पूर्वांचल में सबसे बड़ी आबादी का है, और आप पता कर लीजिए कि कचहरी में जाकर आप देखाइए, कचहरी में रोड, कचहरी के सामने रोड पर मोटरसाइकिल है कि नहीं है। इनको जेल को शिफ्ट करना चाहिए, कहीं भी इंदिरा करे कहीं करे। आज अंतरिम खतरा नहीं है, वाय खतरा है। आज कश्मीर में आतंकवादी घुस रहे हैं, बनारस में नहीं घुस रहे हैं। इनको कैंटोनमेंट एरिया को कैथी में जो 1000 एकड़ की जमीन पड़ी है एयरपोर्ट की, सेना की पड़ी है, वहाँ इनको कैंटोनमेंट एरिया ले जाना चाहिए। ठीक है, जिन सांसद जी को जिताया था बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने एक साथ मिलकर, अभी मैंने गाजीपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लोग पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि कहाँ है सांसद जी। मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ, अभी तो बात हमारी हो रही है। सांसद है ना, मौजूदा सांसद जिसको आप लोगों ने मांगे थे ना उनके लिए वोट, आप लोगों ने मांगे थे वोट, कहाँ है सांसद जी? वो नजर नहीं आते हैं। पहले मेरे गांव गए थे, उनके यहाँ गमी हुई थी। इन्होंने ऐसे ज्वाइंट वोट कई जगह मांगे थे, ज्वाइंट वोट इन्होंने मऊ में भी मांगा था। सांसद जेल के सलाखों के पीछे ही है, बलात्कार पीड़िता को आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसे बलात्कारियों के लिए पैरवी करने वाले लोग आज ईमानदारी सम्मान की बात करते हैं। आरोप लगते हैं उस पर वो जवाब देंगे, लेकिन एक बार कांग्रेस की भी बात हो जाए, जरा कांग्रेस की भी बात हो जाए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों में तो लड़ाई नजर आ रही है, जमीन पर भी बाकी जगहों पर भी। कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बुलाया और मौका दिया, और हम लोग का भी सुनिए। बनारस में हम लोग, आप होंगे, मैंने बनारस में हम लोगों ने जन्म लिया है। मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से ही शुरुआत कर रहा हूं। पहले तो जब मोदी जी बनारस आए, आपको भी याद होगा, पहले गुजरात मॉडल हुआ था, करता था। आज बनारस मॉडल केवल बाबा की आड़ में अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। आप इस क्रूज को थोड़ा दाहिनी तरफ लेके चलिए, सैकड़ों करोड़ की लागत से बंदरगाह बनाया गया सरकारी पैसे से, एक भी जहाज में भाजपा के प्रवक्ता हैं, और मैं यहाँ पे, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं यहाँ का बनारस का महानगर अध्यक्ष हूँ, और पूरी दमदारी से हम लोग यूथ कांग्रेस से लेकर के यहाँ तक आकर के यहाँ तक आए हैं, और राजनीति में हम लोग कर रहे हैं, दमदारी से गलत का विरोध कर रहे हैं। 16 मुकदमे कोरोना काल में हम लोग के ऊपर लगाए गए। क्यों लगाए गए बताऊंगा तो
ब्लड डोनेशन कर रहे थे तब लगाए गए, शहीदों को श्रद्धांजलि दिया तब लगाए गए, राशन भोजन बांट रहे थे तब लगाए गए। आज विश्वनाथ कॉरिडोर इसी रास्ते पड़ेगा, आप अपने क्रूज को बढ़ाइए, बढ़ेगा। मोदी जी तो स्नान कर लिए, आम जनता स्नान कर रही है, आम जनता स्नान नहीं कर रही नहीं है। कर एक बार पूरी बात हो जाए, पीछे तस्वीर देख लीजिए, आंखों के मोतिया बिंद का ऑपरेशन करा ले, ये आंखों के मोतिया बिंद का ऑपरेशन करा ले कांग्रेस पार्टी। मैं राकेश जी पूरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ जहाँ, लेकिन वो लोग गंगा में डुबकी तो लगा रहे हैं, देखिए सामने की तस्वीर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या होती है बताइए। पूरी बात तो सुनेगी तब प्रमाण जाएंगे। जिस घाट गंगा में डुबकी की बात की हमने कहा तस्वीर देख लीजिए, मैंने ललिता घाट की बात की, और जिस रास्ते मोदी जी को पूरा हवा बना करके दर्शन कराया गया बाबा विश्वनाथ का, आपको याद होगा 2019 में लोकसभा चुनाव में जाना था, आनंद फानंद में इसका शिलान्यास, और पहली बार हम लोग हिंदू हैं, पहली बार किसी मंदिर का लोकार्पण भी जिसकी भी पूरी तैयारी नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी क्यों बताना पड़ा है, हम हिंदू हैं, ये तो हिंदुत्ववादी पार्टी है। आपके नेता हर जगह, हर जगह हर हर महादेव के नारों के बीच में प्रधानमंत्री स्नान करते हैं, ये उसको हवा बताते हैं। आपको हर हर महादेव के नारे हवा दिखाई पड़ते हैं, हर हर मोदी है, हर हर कैसे कैसे के रहने वाले हैं। बात पूरी हो जाएगी, बात तो सुनो यार, पूरी बात तो सुनो मेरे भाई, हम हर हर मोदी नहीं होने देंगे बनारस में, हर हर महादेव ही होने। अरे यहाँ तो घर घर मोदी है, घर घर मोदी है। आप जो लगातार कसज्ञा पढ़ लिए हैं राकेश जी, वही शब्द नहीं है, और जब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि शब्दों का ज्ञान आप ही को पास है, हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल, और आप सम्मान किया, सम्मान तो आपको करना चाहिए, नहीं सम्मान करेंगे तो आप कहां सम्मान पाएंगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो बातें सही है, गुंडागर्दी, ये लाल टोपी नहीं है क्या, ये लाल टोपी खराब है, और काली टोपी क्या है, आरएसएस वाली, नहीं नहीं, वो राष्ट्रवाद का प्रतीक है, राष्ट्रवाद चेतना का प्रतीक है, ये देशभक्ति का प्रतीक है, भारत माता की नारे, जय के नारे लगेंगे, वंदे मातरम के नारे आपको सुनाई पड़ेंगे वहां, और यहाँ इस टोपी के साथ में हल्ला बोल के नारे होते हैं, ये सच नहीं है। ये लाल टोपी कौन जानते, कौन पहनना था, नहीं लाल टोपी कौन पहन रहा है हम ये जानते हैं, लाल टोपी पहन करके आज जहां कहीं भी गुंडागर्दी होगी, जय प्रकाश नरेंद्र प्रकाश आज कहां भुला दिया उनको आपने, चंद्रशेखर जी के अनुयायी आज चंद्रशेखर जी को पूरी तरह से भुला दिया, पूरी तरह भुला दिया, विद्यालय कॉलेज पार्क क्या बात करते हैं, आज चंद्रशेखर जी के भी समाजवाद को समाजवादी पार्टी ने तिलांजलि देने का काम किया, इसीलिए चंद्रशेखर जी के परिवार के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। ओमप्रकाश जी सुनिए ना, अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी ओर से कहा गया है, मैंने ही इंटरव्यू किया था, जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि 16 आतंकवादी जिसको छुड़ाने की कोशिश बार बार समाजवादी सरकार में की गई, और बाद में पता चला उनमें से कई को सजा हो गई। नहीं नहीं, तो आप लोग यही काम करते हैं, ये आरोप लगाते हैं बीजेपी। ये बताइए, एक सबूत दे देंगे, ये लोग तो अच्छा दिन पर बोल रहा, मैं पूजा तो आप नहीं बोली, अच्छा दिन आने वाले है, अच्छा दिन आ गया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई, महंगाई कम हो गई, पेट्रोल, तो मैंने यही कहा आतंकवादियों पर जवाब दीजिए, आप एक लेटर मत दिखा दो, एक लेटर गूगल पर सर्च कर लीजिए, हाईकोर्ट का आदेश मिल जाएगा, दर्शक देख रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, गूगल पर सर्च कर लीजिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश दिख जाएगा कि पद्मश्री देने के लिए हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी, कि क्या आप आतंकवादियों को पद्मश्री देना चाहते हैं, मेरी बात सात को आँच नहीं है, गूगल पर सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पर पड़े हुए हैं इनकी कारगुजारियां, और आज ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं गूगल बोलिए, और ये आपका सोशल मीडिया, इस पर जवाब मिलेगा, इसी से आप घबराए क्यों हैं, मोदी जी बार बार बनारस क्यों आ रहे हैं, इतनी बड़ी जल्दी क्या थी, वो सांसद है तो बनारस नहीं आए, ये आजमगढ़ नहीं जाएंगे, भी तो इनके एक बार भी कोरोना काल में क्यों नहीं आए, सांसद है ना वो, यहाँ चित्रा जी कोरोना काल में तो नहीं आए, कोरोना का कोरोना में जब लोग यहाँ प्रताड़ित थे, सांसद है, इनके कार्यकर्ता मर रहे थे, नहीं आए, सांसद थे तो इसी बीएचयू में आप पता कर लीजिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, मैं गवाह हूँ भर्ती कराने का, आप पता कर लीजिए जो 16 ICU बेड है, इनके प्रधानमंत्री बनने के 7 साल भी 16 ICU बेड के बाद एक भी बेड नहीं बढ़ा है, आप पता कर लीजिए कि विश्वविद्यालय में आज भी सीनियर डॉक्टर कोरोना में नहीं बैठ रहे थे, आप पता कर लीजिए उस समय मोदी जी कहाँ थे, उस समय मोदी जी और उनकी सरकार पलटन कहाँ थी, हम बात देखिए वाजिब बात कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तर्क से बात कर रहे हैं, यदि कोरोना में क्या एक बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी जहां के सांसद हैं एक बार भी आने का जहमत उठाए, उनको तो डर था कि कहीं हम मर न जाए,
डर था मौत से। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब प्रधानमंत्री के लिए तो ये क्या बात। मैं जवाब दूं, देखिए इन्होंने आपने तथ्यात्मक सवाल पूछा है, तथ्यात्मक जवाब लीजिए। आपने कहा कि 16 आईसीयू के बेड है। सच ये है कि 2014 के पहले बनारस में केवल 14 आईसीयू के बेड थे। आज 20 आईसीयू के बेड तो केवल कबीर चौरा में है। आज 150 आईसीयू बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1000 करोड़ का बनकर तैयार है। आपकी इन बातों को आज बनारस के लोग भी सुन रहे हैं और पूरे पूर्वांचल के लोग सुन रहे हैं और बिहार के लोग भी सुन रहे हैं। ये सारे लोग जानते हैं कि आज चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार से लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट केवल बनारस में हुआ है। आज कैंसर के 2-2 हॉस्पिटल इसी बनारस में बने हैं। कैंसर चला रही है टाटा, चला रहा है। किसी को मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, आज मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। आज यही बनारस में हो रहा है। पूरे पूर्वांचल के लोगों को, पूरे बिहार के आज जो तटवर्ती क्षेत्र के लोग उनको आकर क्या देखना पड़ रहा है। सीधा झूठ बोल रहे हैं सारी चीजें। वो टाटा चला रहा है, प्राइवेट संस्था चला रहा है। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जो यहाँ हरिश्चंद्र घाट है, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र जी राहुल गांधी जी हैं। वो जो कहेंगे परम सत्य है, वो जो कहेंगे वो आलू से सोना बना देंगे, उसको हम स्वीकार कर लेंगे। वो जो कुछ भी कह दे वो पीछे से छाती में चाकू घोंप देते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पीछे से छाती में चाकू मैं बात कर रहा हूँ बीएचयू के आईसीयू का, कपिल चौरा चले जाए। अरे बीएचयू का ही सुपर हॉस्पिटल बना है। सरकार ने कोई काम नहीं किया, विपक्ष के लोग भी तो नजर नहीं आए ना बीते 4.5 सालों में। एक सेकंड सर, हम लोग भी ढूंढ रहे थे कि विपक्ष के कोई नेता बड़े मुद्दों पर क्या आंदोलन कर रहे हैं, क्या लोगों के बीच। एक सेकंड सुनिए ना सर, मैं आ रही हूँ आपके मुद्दे पर आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जहां जहां हमारे कैमरे जाते थे बड़े नेता वहां पर चले आते थे। बहुत सारे मुद्दों पर पहले मीडिया के लोगों ने वहां पर जाकर सरकार को घेरा, उसके बाद नेता नजर आते थे। तो सवाल पूछा जाएगा ना, 4.5 सालों तक सर कहां थे आप लोग। विपक्ष का भी ये धर्म है ना कि जनता के मुद्दों को उठाए, जनता के बीच रहे। तो अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो विपक्ष ने क्या किया? क्या आप लोगों के बीच रहे बताइए। ट्रैक्टर का रैली मैं निकलवाया, हम पर FIR हुआ, पता कर लीजिए। गाजीपुर में गांवर थाने में मैंने बॉर्डर पर किसानों से मिलने गया, मैं राकेश टिकैत का स्वागत किया और बलिया तक उनको जाकर मैं छोड़ने का काम किया। ऐसा नहीं है। अब टिकैत साहब को तो आपके ही नेता बुला रहे हैं कि आइए चुनाव लड़िए, तो टिकैत जी से आप मिलने नहीं जाएंगे, कौन मिले? किसानों के कंधे पर बंदूक, 2 साल पहले बात कर लग जाएगा। किसान के लिए नहर का पानी मुफ्त हम करते हैं, ट्यूबवेल का पानी मुफ्त हम करते हैं, उनको यूरिया खाद हम देते हैं, उनको DAP खाद हुए हैं। 42 वर्ष की लंबित बाणसागर परियोजना हम पूरा कर रहे हैं। आज सरयू नहर परियोजना 40 साल से लंबित, उसको पूरा हम कर रहे हैं और नहरें आप ठीक कर रहे थे। किसानों की चिंता आप कर रहे हैं, 86 लाख किसानों का 36 करोड़ माफ हम कर रहे हैं। किसानों की धान खरीद हम कर रहे हैं, गेहूं खरीद आपने 6 लाख मीट्रिक टन की थी, 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा है। आज परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं। आप इतना गेहूं पैदा की है तो आपकी सरकार ने 50 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के काम की हुई है? नहीं, हमने खरीदने का काम किया ना, किसानों से खरीदा, किसानों से खरीदा हमने, विदेश से खरीदा, किसानों से खरीदा है। 56 लाख मीट्रिक टन इस वर्ष का आंकड़ा है, आप पता कर लीजिए। 56 लाख जो कह रहा हूँ, मनसा वाचा कर्मणा, एक भी शब्द गलत नहीं होगा। 56 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा है हमने, 7 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा था आपने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में। के बाद आप और माननीय मोदी जी दुई को पैदे हैं, इकराबाद सब लोग झूठे में पैदा। नहीं, आप तो कोई भी दावा कर देते हैं। आप बता देंगे कुतुब मीनार भी आपने बनाया है, लाल किला भी आपने बनाया है, जैसे आप बता रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपने बनाया है। आप तो कोई भी दावा कर सकते हैं, अखिलेश जी कोई भी दावा किसी का भी इस समय बता देंगे, ये हमने ही शुरू किया था। लेकिन एक सच बता दूं, यही बगल में एक सामने घाट पुल है, 2005 में उसकी नींव रखी थी अखिलेश जी ने। इतना सारा काम किया है उनके नेताओं पर रेड डालने की क्या जरूरत है? मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ये यही बगल का पुल है, मैं दूर का नहीं बता रहा हूँ, बगल का पुल है अखिलेश, उसका मुलायम सिंह जी ने शिलान्यास किया। इतना काम किया है, सरकार बीत गई, 2 महीने तैयार हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। चुनाव के ठीक पहले एक तरफ रेड पड़ रही है, दूसरी तरफ इतना काम किया है, लेकिन अब काशी और अयोध्या के बाद चले जा रहे हैं मथुरा। तो आप लोग भी धर्म का तड़का लगाकर नेताओं को डरा धमकाकर नहीं, रेड की काम कहाँ गई आप? रेड की बात तो बिल्कुल समझ ले, कोई लाल टोपी लगा लेगा तो रेड से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप पर कार्रवाई होगी, और गलत नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, टैक्स डिपार्टमेंट को क्या चुनावों में छुट्टी दे देनी चाहिए? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनाव में काम न करे, या नेताओं को खुली छूट दे दे कि वो अपने टैक्सेशन में जिस तरह की गलतियां करना चाहे कर ले, क्योंकि ये चुनाव है और विपक्षी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, नहीं हो सकता। जय शाह साहब क्या कहने मरवा दे रहे हैं, अगर इनपुट होगा तो बिल्कुल मारा जाएगा, किसी के बारे में भी इनपुट होगा तो मारा जाएगा। सुनिए, और साच को आँच नहीं होना चाहिए। आप इसी गाजीपुर में आए और मोदी साहब ने कहा गरीब
चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोली खा के सो रहा है नोटबंदी पर। सही से बताओ, नोटबंदी के फैसले मोहम्मद बिन तुगलक के फैसले 1325 से और आज जोड़ा जाए 2017 में जनता ने बता दिया था नोटबंदी के बाद 2017 का चुनाव हुआ ना, आप तो खजांची बना करके नोटबंदी के फैसले का गली गली विरोध कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? 2017 के 5 राज्यों के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि नोटबंदी का फैसला इस देश के हित में था। इस देश में जो ब्लैक मनी छुपी हुई थी उसको निकाल बाहरने में बाहर में आज सार सार्थक साबित हुआ। 2016 में नोटबंदी हुई, 2017 में जनता ने फैसला किया था ना, ये हम सहमत है। हालांकि ठीक है, फैसला कभी कभी फैसले गलत भी हो जाते हैं। उनके साथ जाने वाला फैसला कैसा था? कह दिए मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला गलत था, स्वीकार कर लीजिए आज। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि उनके साथ जाने, देखिए मैंने फिर आपसे कहा कि राजनीति में कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, वो इतिहास के पन्ने में कैद हो सकता है। ये कौन सी घटनाएं दुर्घटनाएं हैं? आप एक सांसद को जितवाते हैं वो नजर नहीं आते हैं, उसके बाद आप लोग फिर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ सांसद मेरे क्षेत्र में 6 दिन पहले 12 गांव में, दिलदार नगर गांव में, मिर्चा गांव में नहीं आए हो, 3 दिन पहले उनकी बेटी की शादी थी, और आप पता कर लीजिए कि वो नहीं आए होंगे तो जो बात कहोगे आप मान लेंगे। अरे जनता 4.5 सालों का हिसाब पता, अरे जनता 4.5 साल का ठीक है। 2019 के बाद सांसद जी का सवाल तो हम पूछेंगे ना कि सरकार ने गाजीपुर में काम किया या नहीं किया, और 19 के बाद सांसद महोदय आपको देखेंगे नहीं? सांसद जी को काम करने देंगे तब ना, आप काम नहीं करने दे रहे हैं। अरे बाप रे, ये सरकार केवल काम बोलती है, काम दिखाती नहीं है। नहीं, हमने रोका है काम करने से। हमने रोका है मुख्तार अंसारी को रंगदारी वसूल करने से। हमने रोका है अतीक अहमद को जमीनों पर कब्जा करने से। हमने रोका है आज तमाम माफियाओं की पैरेलल जो एक शासन व्यवस्था चलाते थे उसको हमने रोकने का काम किया है, और हम बिल्कुल रोकेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए महादेव का आशीर्वाद इस काशी से किसको मिलता है, किस पार्टी को, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन ये बात तो तय है कि इस बार का इलेक्शन बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। समय इतना ही है सर, एक लाइन में बोल लीजिए, एक लाइन में बोलिए। एक मिनट, ये पूर्वांचल की उद्घाटन करने आए तो बलिया गाजीपुर का है, देश के प्रधानमंत्री जो सुल्तानपुर से पूर्वांचल की उद्घाटन करने के पीछे बलिया, जहां चंद्रशेखर जी, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जहां से बलिया जोड़ने की बात हो रही है, बलिया में एक नया प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है, जहां 7 साल से पुल टूटा हुआ है वो एनएच की रोड है, गडकरी साहब ने बलिया में घोषणा किया, बलिया के लोगों ने इसी बनारस में मुझसे ये बात कही। अब ये सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब मैं जवाब दे देता हूँ। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, लेकिन ये सवाल पूछने वाले लोग जिन्होंने पूर्वांचल को बदहाली का शिकार छोड़ रखा था, उनके लिए सैफाई आने जाने का रास्ता ठीक हो जाए। लेकिन अब वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। देखना होगा इलेक्शन के मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन यकीनन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। वाराणसी से पंचायत आज तक आप देख रहे थे, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए आज तक।